जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हार और जीत में सिर्फ हमारी सोच का फर्क होता है। अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हमें सिर्फ यही तय करना है कि हमें किस ओर बढ़ना है। क्या हमें अपने आप के साथ समझौता कर लेना है, क्या हालातों के साथ समझौता कर लेना है, या हमारे अंदर क्षमता है उसे बदल कर आगे की तरफ बढ़ने के लिए। इसी बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल जी। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते भाई जी। वैसे तो हमने आपसे कई सारी कड़ियों में बातें की है, लेकिन सबसे मेन बात जो हमने आज तक जानी है कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए, जिसके बारे में आज हमारा शो है, हम जानते हैं कि जिंदगी को आसान बनाने में कई सारी बातें आती है, कई सारी परिस्थितियां आती है, पर उन्हें किस तरह से हैंडल करना है वो हमारे ही पास निर्भर करता है, हमारे ही तरीकों पे, हमारे ही सोच पर निर्भर करता है। पर भाई जी, कहीं ना कहीं हर बात का निवारण करने के चक्कर में हम अपने आप में ही जूझते जाते हैं। हम परिस्थिति को बदलने की जगह अपने आप से ही शिकस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? वास्तव में जीवन का एक नाम बैलेंस भी है जी। परिस्थितियां तो आएंगी ही, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं और कैसे उसे हैंडल करते हैं उस पर सब कुछ निर्भर करता है जी। तो इसीलिए जीवन में ये अक्सर करके परिस्थितियां मुश्किल तब प्रतीत होती हैं जब कहीं ना कहीं जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इससे तात्पर्य हमारा कि कहीं हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं हमारा जो और इमोशनल लाइफ, इन सब के बीच में बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है कि परिस्थितियां और विकट अनुभव होती हैं और हमें लगता है कि हम बहुत डिफिकल्ट फेज से पास हो रहे हैं। भाई जी, बैलेंस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम अपने आप के अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द बन करके रह गया है। वो हमारे लिए एक ड्रीम बनता जा रहा है कि भाई बैलेंस्ड लाइफ तो भाई कौन जीता है, आज के डेट में कोई भी बैलेंस नहीं है, ये मान्यता बनकर रह गई है। तो इस मान्यता को कैसे बदला जाए? बैलेंस अगर हम वाकई जीवन में चाहते हैं तो एक तो जीवन में टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है, क्योंकि हम कहते तो हैं कि टाइम मैनेजमेंट करें, लेकिन वो टाइम तो लिमिटेड है, 24 घंटे ही हमारे पास, लेकिन उनको हम किस तरह डिवाइड करें कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक रहे। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी जब बैलेंस मेंटेन रखना चाहते हैं तो किस किस चीज के बीच में बैलेंस हो वो जानना बहुत आवश्यक है। तो नॉर्मल तो कह देते हैं वर्क लाइफ, तो फॉर एग्जांपल आजकल अधिकतर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए, और किसी चीज के लिए बहुत टाइम है उनके पास। तो आज लाइफ में एक आवश्यक है अलर्ट एंड रिलैक्स का बैलेंस। अलर्ट भी रहें जीवन में, कोई भी परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशन आती है, सावधान रहें, और साथ ही साथ रिलैक्स भी रहे। टेंशन की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उस स्थिति में भी कैसे हम टेंशन को मैनेज करते हुए चलें, रिलैक्स स्थिति रहे। तो अलर्ट से भाव क्या है, अक्सर आज हम कोई भी परिस्थिति के लिए किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को ब्लेम कर लेते हैं जी। तो उसके लिए ये है कि कहीं भी हम कोई परिस्थिति या किसी से हम एकदम हार ना खाएं, तो एक अलर्ट जरूरत है। और इसके लिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि धोखा हम महसूस करते हैं, किसी ने जैसे धोखा दिया, तो धोखा खाना मूर्खता है, एक ये चीज है। धोखा देना वो धूर्तता है।
जिसका जो बहुत अंदर से कटु होगा, अंदर से बहुत ही ऐसी चालाक प्रवृत्ति का होगा, वो धोखा देगा दूसरे को, और जो धोखा खाता रहता है इसका मतलब वो मूर्खता है उसमें, और धोखे से बचना वो बुद्धिवानी है। तो इस कारण से एक तो हम ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आती है उसको देखें, समझें, तोलें, और तब हम उस परिस्थिति का सामना करें जी। तो मेंटली एक तो अलर्ट रहे जी। और उससे क्या होगा, धोखा नहीं खाएंगे तो रिलैक्स स्थिति रहेगी जी भाई। दूसरा, आज का जीवन इतना हो गया है, हर एक कोई बहुत बिजी है सुबह से लेकर रात तक। जैसा बात भी हो रही थी ना कि गीता में सारा का सारा पूरा ज्ञान दिया गया है, लेकिन लास्ट में जो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर मां, अर्थात जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है। तो बात है, अर्जुन है मैन ऑफ एक्शन और कृष्ण इज अ सिंबल ऑफ मैन ऑफ विजन। तो कृष्ण जी ने युद्ध नहीं किया लेकिन उन्होंने सिंपली गाइड किया रथ को। तो ये हमारे पास, हम मैन ऑफ एक्शन तो हो गए हैं, राइट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग इन द इवनिंग टिल लेट नाइट वी आर डूइंग एक्शन एक्शन वर्क एंड वर्क बिजी। लेकिन उसके साथ साथ अगर विजन भी हमारा होगा तो वो एक्शन से हमें थकान नहीं होगी, एक्शन से हम बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो एक्शन बिजी भी चाहिए और बिजी के साथ इजी लाइफ, तो बिजी एंड इजी का बैलेंस। बिजी और इजी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन बिजी के साथ में इजी कैसे रहा जाए? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान बने, जैसा हम आज इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आसान बनाने के चक्कर में हम कई बार उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने लगते हैं। तो ये, और रियलाइज भी नहीं होता, रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं खो सी गई है। तो इस रियलाइजेशन को फिर से जागृत कैसे किया जाए? हर चीज का आधार, जैसे पहले भी बात हो रही थी, वो है मनुष्य का मन, उसकी सोच जी। अगर सोच में वो थक जाता है, कहीं किसी मन के अंदर विचारों में उलझ जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन शरीर पर पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन वाणी में होता है, कर्म में होता है, और ये सारा बॉडी लैंग्वेज ही उसकी थकी थकी और स्ट्रेस्ड लगती है। तो सारा आधार मन के ऊपर है। तो मन अगर उसका इजी सिचुएशन में है तो क्या होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए मन के अंदर उसको थकना नहीं है, हर परिस्थिति को इस दृष्टिकोण से देखना, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब एक व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है और दूसरे का दूसरा, और वो कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। हम कोई बात है, आपने मानो कोई बात कही, मैंने उसे समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये गलत है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से आपने सही बात कही। तो मेरा पहला लक्ष्य ये होना चाहिए, मैं आपके दृष्टिकोण से भी उस समस्या को देखूं। मेरा दृष्टिकोण तो मुझे मालूम है, और आपके दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो समस्या नहीं रहेगी, उसमें बिल्कुल इजी हो जाएंगे, और हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आप ये कर रहे हो, हमें बिल्कुल सही लगेगा कि आपने बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल। तो ये है इजी की बात, अगर दृष्टिकोण हमने दूसरे का समझ लिया, उससे हम लाइफ में बिजी होते भी इजी मेंटली। और ये दोनों जो जो शब्द मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों देखने में पोल्स अपार्ट लगेंगे, बिल्कुल अलग, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं मिलने का वो मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी रहे, यस, तो उससे क्या है, वो मिल जाती है और सिचुएशन इजी हो जाती है। जैसे अलर्ट एंड रिलैक्स बताया, अलर्ट भी रहे और बिल्कुल रिलैक्स भी रहे, इसी तरह बिजी और इजी। और जब बिजी और इजी रहेगा तो क्या होगा, इसी को दूसरी भाषा में कहा है, केयरफुल एंड चीयरफुल। अच्छा। हाँ, तो केयरफुल भी रहे, कोई भी परिस्थिति आती है लेकिन हमारी चीयरफुलनेस ना वो उसमें गायब ना हो जाए। जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर केयरफुल रहेंगे हर परिस्थिति में, विजय जैसी हमें मिलती जाएगी, जीत का अनुभव करते जाएंगे, तो क्या होगा, चीयरफुलनेस, खुशी रहेगी। वास्तव में जीवन में हर एक कोई जीतना चाहता है जी। तो जीतना जरूरी है, ठीक है, लेकिन जीतने से भी ज्यादा आवश्यक है जीतने की भावना, वो अगर हमारे अंदर कॉन्स्टेंट रहती है, मेंटेन्ड। नहीं तो जब काम शुरू करते हैं उस वक्त तो जीतने की भावना होती है, लेकिन थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद धीरे 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 हम अपने से हारने लगते हैं। तो जीतने की भावना,
और इसमें मुझे याद आता है वो उदाहरण हमारे देश के महारानी लक्ष्मीबाई जी, शिवाजी, राणा प्रताप, जिंदगी भर इन्होंने युद्ध किया। और एक एक्सटर्नल दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो ये युद्ध में जीते नहीं चाहे, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के, देशवासियों के दिलों को जीत लिया, और आज भी हम उन्हें बड़े गर्व से याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भले कोई उनको कहेगा ये हारे हुए इंसान है, लेकिन सारे दिलों को जीत लिया, इससे क्या इतिहास को जीत लिया, इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। तो जीतने की भावना जरूरी है, जीतना हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए गीता में भी बड़ा अच्छा कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। अब ये देखने में एक्चुअली हमें तो लगता है बड़ा कठिन है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कर्म की बात करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस, चलिए मैंने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी कि मैं क्या रिजल्ट होगा, मान लिया इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत उसके लिए लगा है, वो तो हमने अपना खून पसीना एक करके एक चीज के पीछे एफर्ट्स डाले हैं। आज अगर मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूं, आज अगर ऑफिस में मैं जाती हूं और एक प्रोजेक्ट मैंने मुझे दिया है बॉस ने, मैंने अपनी पूरा 2-3 महीने से उस चीज को तैयार करके लेके गई हूँ। अब और जो हमारे जो बॉस हैं, उनका पर्सपेक्टिव तो उसको लेकर के बहुत सिंपल है, भाई उनको तो अपना काम करना है, लेकिन मेरी तो पूरी मेहनत उस पर लगी है। तो वो सिचुएशन में अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चीजें बेहतर हो, तो मैं क्या गलत हूँ? यही तो आवश्यक है एक्चुअली, इसका इंटरप्रिटेशन देखा जाए आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये है कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, ऐसा नहीं, बल्कि कर्म करें जब हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, तो पूरा प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट हो, दिल से, दिमाग से, हमारे टाइम से, हर चीज में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, हाफ हार्टेडली ना हो, तो कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो तो है कर्म। और फल का मतलब जब रिजल्ट हो, उससे वक्त हम अपने को इमोशनली डिटैच कर लें, तो उससे क्या होगा, इमोशनल डिटैचमेंट से भाव क्या है, हमने कर्म तो किया और कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इफ द रिजल्ट इज नॉट एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, तो क्या होगा, वी विल कम डाउन टू अर्थ, हमारे और वो हमें एकदम निराशा का अनुभव होगा। वो तब होगा अगर हम फल में इन्वॉल्व होंगे कि मैंने ये फल की एक्सपेक्टेशन की थी। इसीलिए फल के समय थोड़ा एक्सपेक्टेड, मतलब हमारा डिटैचमेंट जो हो ना, वो थोड़ा हमारा रहे, जिसे डिटैचमेंट कहा जाता है, तो क्या होगा, फल कुछ भी होगा, उस वो हमें डाउन टू अर्थ गिरा नहीं देगा, और हम उसको बड़ा स्पोर्टिंगली लेंगे जी। तो इमोशनल डिटैचमेंट होना जरूरी है, एक तरफ इन्वॉल्वमेंट, प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट, एक तरफ इमोशनल डिटैचमेंट जी। तो ये कर्मण्येवाधिकारः का परफेक्ट अर्थ है। उससे क्या होगा, अगर सपोज एज पर नॉट अवर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट इज देयर, तो हमारे में स्पिरिट रहेगी, चलो नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा स्टेप से करूं और अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट अचीव करूं जी भाई जी। तो इसीलिए ये बैलेंस जरूरी है, कर्म और फल का ये एक है जी भाई जी। भाई जी, कहीं ना कहीं हमने एक और चीज नोटिस की है, जैसे अभी कई बार होता है जो जो व्यक्ति होते हैं, कई बार होते हैं जिनकी जॉब चली जाती है, जॉबलेस है अभी अभी, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला उनके पर प्रेशर रहता है, मुझे एक जॉब ढूंढना है। दूसरा प्रेशर कि भाई मैं, एक तो पहली बात पिछले जॉब का एक पास्ट का पूरा उनके अंदर मेमोरी चल रहा होता है, बैक वाली बातें, प्लस जो फ्यूचर में उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत ज्यादा सेल्फ को डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ऐसे में अपने आप को पूरी तरह से कलेक्ट करके, समेट करके ऊपर फिर कैसे उठा जाए, क्योंकि उसके बिना तो जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती है, है ना? तो ऐसे में आपकी क्या राय है? वास्तव में ये जीवन की काफी कठिन परिस्थिति है जी। जब कोई चीज एक हाथ से चली जाती है, तो उसकी वैल्यू अक्सर करके ये होती है, जब कोई चीज चली जाती है तब उसकी वैल्यू हम करते हैं, और जब तक चीज हमारे पास है तब तक हम उसे टेक इट ग्रांटेड लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ है, टेक इट ग्रांटेड, सब ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसी हेल्थ की सिचुएशन आई, तो वो परिस्थिति में पता चलता है हम कि जिसको हम टेक इट ग्रांटेड लेके चल रहे थे, वो जीवन के लिए कितना आवश्यक है, फिर उसे रिगेन करने का करते हैं। तो इसमें जैसे बताया, किसी का जॉब चला गया और अब वो जॉब ढूंढ रहा है, तो माइंड के अंदर एक परिस्थिति ऐसी रहे, उसका बैलेंस
डिटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट का बैलेंस, डिटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों देखने में पोल्स अपार्ट लगते हैं. Exactly. हाँ, तो डिटैचमेंट, पास्ट से थोड़ा सा हमारा डिटैचमेंट हो जाए, जो था उससे हम शिक्षा लेके आगे बढ़े, किस वजह से मेरा जॉब गया, अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें. लेकिन हमारे जो स्टेप्स हैं, हमारे एफर्ट्स हैं नए जॉब के लिए, उसमें हम फुली इन्वॉल्व हो जाएं और पिछला जो परिस्थितियां हैं जहां सो कॉल्ड हमारी हार हुई है, वो हार बार बार हमारे एफर्ट्स को शेडो डाउन ना करें. तो इसीलिए बार बार अगर वो हार का ख्याल आता रहेगा ना, तो वो जीत की तरफ बढ़ना वो हमारा मंद गति से हो जाएगा. तो क्या भाई जी, हमारी सोच की वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही है, या सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं और हमारी सोच उसे बदल सकती है? ये दो पहलू हैं. ये क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि भाई शायद हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस ऐसी नहीं है तो मैं दुखी होऊंगा ना, अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं दुखी हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ. अगर कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है इन है, कि भाई तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम्हारी परिस्थिति हो जाएगी, पर क्या ये किस हद तक ये सही है? क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है तो फिर मुझे बदलने की जरूरत है, फिर शायद सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे. ये आपने बहुत अच्छी बात कही. आजकल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफी, तो जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही लगभग परिस्थिति का हम निर्माण करते हैं. अच्छा. परिस्थिति तो है, और इसको मेडिकल साइंस ने भी बहुत प्रूफ किया है. बहुत ऐसे केसेस हैं, रीडर डाइजेस्ट में तो रेगुलरली निकलते रहते हैं, हमने बहुत पढ़े हैं, देखे हैं केसेस ऐसा, कैंसर्स हैं और डॉक्टर ने बोल दिया तुम 3 महीने से ज्यादा या 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अंदर अगर विल पावर है, नहीं मुझे बच्चे की शादी करके जाना है, मुझे ये काम करना है, इसका रिजल्ट देखना है आदि आदि, तो 12 वर्ष 15 वर्ष तक हो गए, मैं ऐसे केसेस को भी जानता हूँ, तो उनमें क्या वो बिल्कुल अच्छी गति से चल रहे हैं और डॉक्टर जब चेक करते हैं, अरे इनका तो कैंसर इस स्टेज तक था लेकिन ये तो और बहुत कम हो गया. खाली इसी की बात नहीं, हमारे यहाँ कैट का जैसे मैं बता रहा था, हार्ट आर्टरीज ब्लॉक हो गई, लेकिन उनकी ये सोच है कि नहीं मेरी आर्टरी खुलती जा रही है, उसके अंदर से ब्लड फ्लो ठीक होता जा रहा है, मैं स्वस्थ हूँ. तो जब ये सोच होती रहती है और जब बाद में एंजियोग्राम निकाला जाता है ऐसे लोगों का, वाकई आर्टरी जो 95% 100% ब्लॉक थी वो 80% रह जाती है, 70% रह जाती है. पर तो भाई जी, क्या ये डे ड्रीमिंग है? जब हम बात कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो हम वो चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जो अभी नहीं है, जो अभी की सर्कमस्टेंसेस नहीं है, हमें जो दिखाई दे रहा है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमें सोचना है. तो ये मतलब कहीं ना कहीं फिर अपने आप के साथ में चीटिंग सी नहीं हो रही? नहीं नहीं, इसमें ये आवश्यक है कि हम अपना रेगुलर वे, जैसे ये कैट की बात बता रहा था हार्ट की, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अवर रेगुलर ट्रीटमेंट. जो दवा है वो भी करें, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी करें, खाने का जो है परहेज वगैरह वो भी करें, लेकिन दिस इज एन एडिशनल फैक्टर. इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं सफलता की कामना कर रहा हूँ, मेरा आर्टरी खुलती जा रही है, तो वो ही वैसी ही परिस्थिति बनती जाएगी और ऐसा देखा गया है कि वो वाकई आर्टरी खुलती जाती है. फॉर एग्जाम्पल किसी और दूसरा चीज ले लीजिए, तो कैट की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे ही हमारा मेंटल इन्वॉल्वमेंट जिसमें ज्यादा होगा, हम सफलता की कामना करते चले आगे बढ़ते हुए, इससे हमारा मोटिवेशन वो बढ़ेगा, हमारे सोच वो जीत की सोच होगी, और जीत की सोच होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो जो है बढ़ जाएगा. जो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, वो तो बॉडी हमारा पूरा साथ देगी, तो मन और बुद्धि का इस शरीर के साथ बैलेंस वो पूरा का पूरा परफेक्ट होता चलेगा. तो इसीलिए डिटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, हम पास्ट से डिटैच करें अपने को. एक बात है वो, क्योंकि बीमार हूँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, ये करेंगे तो ये एक जैसे की सोच जो है ना, उस बीमारी को बढ़ाने के लिए ऐसा शरीर में एनवायरनमेंट तैयार करेगी. ये तो डॉक्टर भी कहते हैं, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है जैसी हमारी सोच होती है जी. तो वो हार्मोन्स का सेक्रीशन और इसके विपरीत जब हम सफलता का, और वो करेंगे सफलता का इन्वॉल्वमेंट उसकी तरफ होगा, तो वैसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होगा.
तो ये आवश्यक है, डिटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, ये जितनी चीजें हैं इसी को हम कह देते हैं फैमिली के अंदर क्या हो जाता है। आजकल अधिकतर पेरेंट्स भी कहते हैं क्या करें, बच्चे हमारी बात नहीं मानते ये। हाँ, जैसे इसमें मुझे याद आया, एक 3 साल का बच्चे की मम्मी बोल रही थी कि मेरी बच्चे मेरी बात नहीं मानती। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एक छोटी सी बच्ची है, अब उसको तो कुछ पता नहीं है कि वो मम्मी की बात मान रही है या नहीं मान रही है। तो हम छोटे से बच्चे से भी एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर देते हैं। अभी वो जस्ट पैदा ही हुई है, अभी अभी उसके साथ जिंदगी की शुरुआत हुई है, तो उससे भी इतनी एक्सपेक्टेशंस अगर हम रखेंगे तो फिर आगे चल के उससे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो यही एक्सपेक्टेशन जो है, जैसे कुछ दिन पहले सीरियल में ये बात हो रही थी, एक्सपेक्टेशन हम क्या करें कम से कम रखें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं हम इनपुट ना दें, बच्चों को पूरा इनपुट दें। लव एंड लॉ का बैलेंस इस रेफरेंस में वो आवश्यक है, प्यार भी दें उसे, लेकिन जो हमारे जीवन का अनुशासन है, जो जीवन के लिए नियम है, लॉ जो कहता है लाइफ के लिए, उसका हमारा अगर बैलेंस जहाँ रहेगा ना, तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छी क्रिएट करेगा। बहुत अच्छा। तो इसलिए जैसे आपने 3 साल की बच्ची का बताया, तो उसने तो वो तो लव का ही ज्यादा जानते हैं, उसे लॉ का क्या मालूम। लेकिन वो लव भी हम देते चलें, बहुत उसे प्यार से ट्रीट करें, और बच्चे को इतना ऐसा हम वातावरण क्रिएट करें, वो वातावरण हमारे प्यार से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे बोलचाल से, हमारे ऑरा से, एनवायरनमेंट से, वो ज्यादा क्रिएट होता है बनस्पत फिजिकली हम क्या बोलते हैं, हमारे आईज का मैसेज क्या है, हमारा बॉडी लैंग्वेज। तो ये सबसे जब वो प्यार का अनुभव करते हैं बच्चा, तो ऑटोमेटिकली उसका आपके प्रति लव बढ़ता है और फैमिली के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बच्चे अनुशासन से दूर भाग क्यों जाते हैं जब उन्हें लव, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता। अक्सर करके वो बड़े होकर वो बन जाते हैं। वो कारण यही है कि या तो उन्हें लव बहुत मिला है, वो बिगड़ गए हैं पूरा का पूरा, या हमने बहुत ज्यादा अनुशासन में रखा है और प्रेम नहीं मिला, उसमें वो बिगड़ जाते हैं। तो ये भी चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको बता रहा था, कई बैलेंस में जीवन में प्रेम का और अनुशासन का। अनुशासन का भाई जी, एक और बात जैसे दिमाग में आई मेरी, कई बच्चे हैं जिनके बारे में जैसे पेरेंट्स की एक राय होती है कि भाई एक पॉइंट के बाद में जैसे कुछ कुछ जगहों पे बच्चे भटक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो उन्हें थोड़ा सा डांटते हैं, उन्हें ट्यून करने की कोशिश करते हैं, फिर एक पॉइंट आता है जब हम रियलाइज करते हैं कि यार ये तो ऐसा ही है, हम एक राय बना लेते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो जो राय है वो हमारे लिए कम्प्लीटली, फिर हम जब भी देखते हैं तो उस राय के थ्रू ही उस बच्चे को देखते हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे उसी तरफ लेके जाएगा और ज्यादा बिगाड़ेगा या फिर उसे सुधारेगा, ये हमें बताइए आप। नहीं, ये वास्तव में अधिकतर कई बार ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, हमारा माइंड बायस हो जाता है किसी के किन्हीं कर्मों के कारण रेगुलर, और जब बायस्ड फीलिंग होती है ना, तो हमारे एक्शन भी वैसे ही बायस्ड हो जाते हैं जी। और इस कारण से सबसे पहले अपनी फीलिंग को हमें देखना है कि मेरी फीलिंग कोई बायस्ड ना हो किसी के प्रति। और ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर कई बार जो पास्ट में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं उनसे फीलिंग बायस्ड हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे अपने को अंदर चेक करना है कि मैं उसके अगेंस्ट जाऊं और वो बायस्ड फीलिंग को अपना चेंज करूं। भाई क्योंकि कोई एक्सरसाइज एक भी क्या हो जाता है, हम चाहते तो हैं कि भाई हम एक नए दिन की शुरुआत फ्रेश तरीके से करें, लेकिन जैसे ही बच्चा सामने कुछ थोड़ा सा भी वहीं के वहीं है, वो बदलने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो उसी सांचे के थ्रू उसको देख रहे हैं। फिर क्या होता है, बच्चा देखता है कि पापा मम्मी तो हमेशा ही मुझे डांटते रहते हैं, मैं बदलने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ तो भी मम्मी मुझे डांट रही है, फिर वो और ज्यादा पीछे चले जाते हैं। तो ये एक सर्कल है, एक विशेष सर्कल सा बनता जा रहा है। और ये परिस्थिति अक्सर तब पैदा होती है जब कोई बच्चा हमारी बात नहीं मानता, तो और ज्यादा हमारी फीलिंग बायस्ड होने लगती है। तो इसमें आवश्यक ये है, हर मनुष्य जीवन में प्रेज चाहता है कि उसको प्रेज मिले, उसको ऐसा मतलब वातावरण मिले, वो आगे प्रेज से आगे बढ़ेगा। तो पहला इसमें जीवन में ये आवश्यक है कि कभी भी हम कोई शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले हम उसका माइंड सेट तैयार करें बच्चे का। मानो बच्चे ने कोई गलती करी, गिलास टूट गया उससे, मानो है,
तो अक्सर होता क्या, हम उसी वक्त डांटना शुरू कर देते हैं, बर्स्ट आउट हो जाते हैं पूरा का पूरा। होना ये चाहिए जो मैंने हमारे इस इंस्टीट्यूशन में देखा और सीखा। तो यहाँ पर भी बाबा थे, इतना बड़ा यज्ञ चलाते थे, बहुतों से बहुत गलती होती थी, लेकिन बाबा उसे बुला के पहले उसको प्रेस करते थे, देखो तुमने वो काम किया था, बहुत अच्छा किया था, कितना अच्छा यज्ञ को फायदा हुआ, तुम्हारे अंदर ये गुण है, ऐसा कह कह के पुरानी सफलता की बातें ला के दिमाग में उसका मेंटल लेवल वो रिसेप्टिव कर देते थे कि वो हर चीज रिसीव करने को तैयार, क्योंकि आदमी अपनी प्रेस तो एक्सेप्ट कर लेता है इजीली। तो जब मेंटल लेवल उसका रिसेप्टिव हो जाता है, उसके बाद फिर उसे देखो सब इतना अच्छा तुमने किया, ये किया वो किया, और लेकिन अभी देखो तुम्हारे से ये गलती हुई, इससे ये नुकसान हुआ। तो ये हर एक जगह वैलिड है ये बात। तो बच्चे को हम पहले वो करें, चलो कोई बात नहीं बेटे, टूट गया, चलो खत्म है, और ऐसे उसे याद दिलाएं, देखो तुम तो बड़े एक्टिव हो, अलर्ट हो, तुम तो हमेशा कभी भी नुकसान नहीं होने देते, ये नहीं करते, कैसे आज हो गया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस बात को। तो उससे क्या होगा, उस जब प्रेज होगी तो माइंड रिसेप्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप कोई बात बोलेंगे ना, उसके मुंह से खुद निकलेगा पापा आई एम वेरी सॉरी, ये हो गया, रियलाइजेशन होने लगेगी। एग्जैक्टली, ये रियलाइजेशन हम बाय फोर्स ना करने की कोशिश करें, उसको अंदर से रियलाइजेशन होगा ना, तो हमेशा आगे के लिए वो थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा। एग्जैक्टली, तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है प्रेज करना, प्रेज इन पब्लिक एंड गिव डायरेक्शंस या जो सुधार की बातें हैं इन प्राइवेट। बहुत अच्छा। हाँ, बच्चे का किसी कोई हर आदमी सेल्फ एस्टीम अपनी चाहता है, अगर गुस्सा कर दिया एक दो लोगों के सामने तो वो और उसको रिपेंट करेगा और उसको मतलब ना उसके विपरीत जाएगा जी। तो इसलिए आवश्यक यही है कि आप पब्लिक में उसका प्रेस करें और जो डायरेक्शन देनी है फिर उसे प्राइवेट में दे देंगे, तो कभी भी वो मतलब अपना आपा नहीं खोएगा, अटेंटिव रहेगा और गलती उसकी रिपीट नहीं होगी, मिस्टेक। बिल्कुल सही कहा भाई जी आपने जी। आज हमने कई सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे बेहतरीन बात ये सीखी कि अगर हमें दूसरों की तरफ गुण देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ परिवर्तन होकर के हमें सब कुछ गुणवान ही नजर आएगा। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों आज हमने क्या सीखा, अगर हमें अपनी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं हमारे बिजी लाइफस्टाइल को ईजी बनाने की जरूरत है। उसकी शुरुआत हमारी सोच से ही होती है, और जिंदगी में अगर बैलेंस क्रिएट करना है तो सबसे पहले अपने आप के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली हमारे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। इस बात के साथ कल फिर मिलेंगे आपसे आपके ही शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। Thank you.